नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। आज का मेरा विषय है महाप्रतापी संतान। हर व्यक्ति की, हर दंपत्ति की ये इच्छा होती है कि उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो यश में, कीर्ति में विश्व प्रसिद्ध हो, उनके कुल को तार दे। हर व्यक्ति चाहता है कि उनके घर महाप्रतापी संतान पैदा हो। तो क्या पहले तो हमने इतिहास में तो हमें जानकारी है कि बहुत से ऐसे पुरुष या बहुत से ऐसी संतानें उत्पन्न हुई हैं, बहुत से ऐसे पुरुष उत्पन्न हुए हैं जो महाप्रतापी हुए, जिन्होंने पूरे जगत में, पूरे विश्व में अपना नाम किया, बल्कि अपने कुल का भी बड़ा सम्मान किया। और आज भी उनकी कीर्ति की पताका पूरे विश्व में फैल रही है। क्या इस प्रकार का पुत्र अभी भी उत्पन्न हो सकता है? क्या किसी दंपत्ति को इस प्रकार पुत्र की प्राप्ति हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा नियम है। अगर ये नियम फॉलो कर लिया जाता है तो आप उत्तम संतान की माता पिता बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको तुरंत अपने को धार्मिक बनाना होगा, अपने आप को बिल्कुल सात्विक वृत्ति में ढालना होगा। फिर जब आपका विवाह होगा तब भी आपने धर्म का पालन करते हुए चलना होगा, दोनों पति और पत्नी ने। जब इस तरह से आप धर्म का पालन करना शुरू कर देंगे तब संतान उत्पत्ति की जिस समय इच्छा हो या जिस समय संतान उत्पत्ति का योग बनता हो उस समय करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। रजो दर्शन से 14वें दिन जब स्त्री और पुरुष आपस में संसर्ग करते हैं तो महाप्रतापी संतान का जन्म होता है। उस समय या उस 14वें दिन स्त्री को सारा दिन सिर्फ मीठा भोजन ही करना होता है, किसी प्रकार का मिर्च मसाला, नमक, खट्टा इत्यादि कुछ नहीं खाना होता। पुरुष को उस दिन सारा समय बिल्कुल प्रसन्न मन और प्रसन्न चित्त से रहना होता है, महापुरुषों और देवों का ध्यान करना होता है। जब इस तरह का नियम पालन करते हुए स्त्री और पुरुष जब आपस में संसर्ग करते हैं तो वो जो बीज उत्पन्न होता है वो महाप्रतापी संतान को जन्म देता है जो आपकी कई कुलों को तारने की समर्थ रखता है। लेकिन प्रकृति हर किसी के साथ ऐसा होने नहीं देती। ऐसा होता उन्हीं के यहाँ ही है जिनके यहाँ विधाता चाहते हैं कि इनके यहाँ हो, क्योंकि यही व्यक्ति हैं जो धर्म का पालन करते चले आ रहे हैं और इन्हीं को ही महाप्रतापी संतान मिलनी चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए, लगन से चलिए। हो सकता है कि विधाता की भी यही मर्जी हो और हो सकता है कि आपको महाप्रतापी संतान प्राप्त हो ही जाए। बाकी मित्रों, हरि इच्छा प्रबल है, होगा वही जो वो चाहेगा। जय श्री राम, जय माता दी।